आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वन प्लस का वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट जो मिला है मुझे 1999 में। तो इसका पूरा नाम है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। लाल कलर का बॉक्स है, ये बिल है, बिल में लिखा है प्राइस। और इसको निकाल के देखते हैं क्या है इसमें। तो ये पैकेट है, पैकेजिंग अच्छी है, ब्लू कलर का है। आपको तीन कलर और अवेलेबल मिल जाएंगे, एक मिंट कलर का है, एक कॉपर कलर का है और एक ब्लैक कलर का है इसमें, बुलेट्स वायरलेस जी। तो इसका स्पेसिफिकेशन थोड़ा पीछे दिया हुआ है। और इसके लो लेटेंसी मोड में भी आप यूज कर सकते हैं, जो आप पबजी वगैरह जैसे गेम खेलते हैं तो उसके दिक्कत होती है ब्लूटूथ हेडसेट से। आप अगर दौड़ के चले जाए तो उसके पैर के आवाज़ फुटवर्क साउंड वो बाद में आता है। अगर आप गोली चलाएं तो गोली चलाने के बाद उसका फायरिंग का आवाज़ आता है, जिसके लिए आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि गोली मैंने मारी या और किसी के बंदूक से निकला है। तो आप इसका बाहर का पॉलिथीन का जो पैकेट है उसको निकल के देखते हैं अंदर में क्या मिलता है। पैकेजिंग अच्छी है, इसलिए इसका अनबॉक्सिंग में ज़रूर आएगा। लाल कलर का है और ये बुलेट स्टार साइड से देखते हैं इसको क्या होता है। ये इधर नीचे से खुलता है, नीचे से खोलने के बाद आपको देखने मिल जाएगा कि अंदर क्या है। अंदर इसी तरह का एक बोर्ड है जिसमें वो वायरलेस हेडफोन अटैच किया हुआ है। और वो पुलिंग पेपर है, उसको ऊपर की तरफ खींचने से पूरा ऊपर का कवर निकल आएगा। तो हेडसेट यहाँ पे है, अब इसको थोड़ा साइड में करते हैं तो अंदर में क्या है देखते हैं। नेवर सेटल लिखा हुआ है, वन प्लस का सभी प्रोडक्ट में ये नेवर सेटल लिखा रहता है। और इसके अंदर तो से निकला है यूज़र गाइड है, तो इसको खोलते हैं क्या मिलता है देखेंगे। तो इसमें कुछ पेपर वर्क है, आपको मिल जाएगा रेड केबल क्लब की तरफ से कुछ कार्ड वगैरह वैसा है, ऐसा ही कुछ। और उसका टोटल यूजर मैनुअल है इसमें, और यूजर मैनुअल इसलिए होता है अगर आप पहली बार यूज करते हैं तो आपको सारी फंक्शंस याद आ जाएंगे इसके पढ़ते ही। और क्या है इसमें देखते हैं, अंदर की तरफ कुछ है शायद, चलिए दूसरी तरफ से इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। इसको पहले अंदर फिर से रख देते हैं जैसा होता है वैसे कि। और इस तरफ मिल जाएगा आपको चार्जिंग केबल, वो USB 2 टाइप सी चार्जिंग केबल है इसका। और ये मिल जाएंगे आपका ईयर टिप्स, टाइप सी चार्जिंग केबल है। और दो एक मीडियम साइज का वो हेडफोन्स के साथ लगा रहता है, और एक बड़ा साइज और एक छोटा साइज का वो हेडफोन का ईयर टिप है वो इसके अंदर है, पैकेट के अंदर। इसको दोबारा से हम लगा के रख देते हैं और आ जाएंगे मेन यूनिट पे। तो इसका वो सेलो टेप का चिपकाया हुआ है, उसको निकालते हैं पहले।
तो आसानी से निकल जाएगा ये सेलो टेप को निकालने के बाद। इसमें एक चीज़ अच्छा है, ये आप गले पे लगाने के बाद ये आसानी से निकलेगा नहीं, तो उसका मैग्नेटिक लॉक है, वो लॉक हो जाने के बाद आपका ब्लूटूथ का पावर एकदम से बंद कर देता है, जिसके लिए आपको बैकअप बहुत अच्छी मिल जाएगी। 20 आवर्स का बैकअप है इसमें, और ये फ्लेक्सिबल नेक बैंड का वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी तरह से मोड़े तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसका। और इसके एक साइड पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और ये मैग्नेटिक लॉक है, इसको लॉक कर देने से आपका पावर एकदम रिड्यूस हो जाएगा। और ये केबल अच्छी मजबूती के साथ बना हुआ है, और इसमें लो लेटेंसी का मोड है, जिसमें आप गेम वगैरह खेलने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं इसके आप पे क्या है। और ये वन प्लस की ब्रांडिंग दिया गया हुआ है, और इसमें साइड में पावर बटन और LED इंडिकेटर बटन है इसमें, और इधर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। वो केबल जो मिला था उसको कोई भी पावर अडाप्टर के साथ कनेक्ट करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक चीज़ बुरी लगी मुझे, इसका पावर अडाप्टर इसमें नहीं दिया, वो देने से अच्छा होता, क्योंकि आप फास्ट चार्जिंग तो नहीं कर सकते हैं इसमें। बताया गया है कि 10 मिनट के चार्ज पे आप 10 घंटे का बैकअप मिल जाएगा आपको, तो वो एक दिक्कत की बात है। और ये आपका LED इंडिकेटर ऑन हो चुका है, मैं फ़ोन से कनेक्ट करके देखता हूँ ये कैसा चलता है। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, ब्लूटूथ मेन्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद वो ब्लूटूथ का नेम शो करेगा वायरलेस वन प्लस वायरलेस जेड, तो उसको टैप करने के साथ साथ ही ये आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसके साउंड खूब ही स्मूथ है, आपको सारे बीट्स मिल जाएंगे। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप खरीद सकते हैं इसको। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे ख्याल से ये 2000 रुपीज़ के अंदर सबसे अच्छा ब्लूटूथ हेडफोन है आपके लिए, प्राइस बिल्ड क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी के सारे स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के ठीक ही है। इसका साउंड तो बहुत अच्छा है, और ये कान में कुछ ऐसा घुस जाता है जो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है ये। और ये मैग्नेटिक है, ऐसे ये लॉक हो जाता है, ये देखिए। इससे आपको गिर जाने का कोई होगा। TWS के साथ एक प्रॉब्लम होता है, वो अगर कान से गिर जाएगा आपको ट्रैवल करते वक्त, उसे आप ढूंढ भी नहीं सकते, इसका है कहीं भी गिर सकता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये गिरता नहीं है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, बाद में मिलते हैं।